गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मे यू ऑल हैव अ नाइस डे। तो एक बार फिर से आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी नव भारती पुस्तक के लेसन 12 का अभ्यास कार्य करेंगे, जिसका नाम है वसंत ऋतु, और जो आपकी बुक्स में पेज नंबर 73 पर दिया गया है। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम उसका एनिमेशन देखेंगे और इस कविता को आप उसके साथ साथ बोल करके अच्छे से इंजॉय करेंगे और रिवाइज करेंगे। पाठ 12, वसंत ऋतु, कविता। फूल फूल पर झूले झूले कर भौरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना, महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इथलाती है, तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। संदेश, वसंत ऋतु खुशियां लेकर आती है। अभी आपने एनिमेशन देखी, अब आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर बोल करके देंगे बेटा, ठीक है? सबसे पहले आप बताएंगे भौरे गाना कब गाते हैं। कब गाते हैं भौरे गाना बताइए। वेरी गुड, कब? वसंत ऋतु के आने पर। क्यों? क्योंकि मौसम सुहाना हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वसंत ऋतु कैसी लगती है? आप बताइए आपको कैसी लगती है वसंत ऋतु? अच्छी लगती है? अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि मौसम अच्छा हो जाता है, चारों तरफ हरियाली फैल जाती है ना, पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य सब खुश हो जाते हैं। वेरी नाइस। एंड लास्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे वसंत ऋतु आने पर क्या क्या चीज़ें बदल जाती हैं, कौन कौन से चेंजेस आते हैं? जब भी आपको मालूम है कोई भी नया मौसम आता है तो कुछ बदलाव आता है ना। सर्दी में मौसम ठंडा हो जाता है, सब ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं, है ना? और गर्मी आने पर क्या होता है, सब ठंडी चीज़ें खाना पीना पसंद करते हैं और ठंडी हवा लेना अच्छा पसंद करते हैं, सब एसी कूलर में बैठते हैं। तो इसी तरह से बेटा हर मौसम का अलग मज़ा होता है ना। तो वसंत ऋतु आने पर क्या क्या बदलाव आते हैं बताइए, कौन कौन से चेंजेस आते हैं? वातावरण सुहाना हो जाता है, ठंडी हवा चलती है, पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, पेड़ पौधे सुंदर हो जाते हैं, फूल लगते हैं, और सब व्यक्ति जो है मन से तन से खुश हो जाते हैं, है ना? क्योंकि जब मौसम अच्छा हो जाता है तो सब प्रसन्न रहते हैं। तो बच्चों, अब आप इस पिक में दिखाए गए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिए और आंसर्स को रिवाइज कर लीजिए, फिर आपको इसकी आंसर की दिखाई जाएगी। अभी आपने पिक देखी जिसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपके उनके आंसर्स कविता के अकॉर्डिंग वन वर्ड देने हैं, ठीक है? तो अब आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, आप उनके आंसर्स बोल करके बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फूलों पर झूल कर गाना कौन गाता है? कौन गाता था? कौन गाता है फूलों पर झूल कर? भौरे। कौन गाता है बेटा? भौरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका स्वर मस्ताना लगता है? कौन गाता है मस्ती में, मीठे स्वर में कौन गाता है? कोयल। कौन गाता है? कोयल। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, वसंत ऋतु क्या लेकर आती है? क्या लेकर आती है वसंत ऋतु? खुशियां। क्या लाती है? खुशियां। तो बच्चों, अब आप सोच करके बताएंगे आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है और क्यों?
आप ये मामा को बताएंगी। उसके बाद बेटा भाषा की दुनिया में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें आपको ना जोड़कर नए क्रिया शब्द बनाने हैं। आप पिक को ध्यान से देख लीजिए। अभी आपने पिक देखी, इसमें आपके पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें आपको ना जोड़ करके नए शब्द बनाने हैं। फर्स्ट आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, चहक प्लस ना, तो क्या बनेगा? चहक प्लस ना, तो क्या बना था बच्चों? चहकना। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है इठला, इठला वर्ड दिया हुआ है, आपको उसमें क्या जोड़ना है? ना, तो ना जोड़ करके क्या बनेगा बच्चों? इठलाना। आप सब मेरे साथ रीडिंग करेंगे जोर से बोल करके, इठलाना। नेक्स्ट गा, ना प्लस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? गाना। झूल, में ना मिला करके क्या बनेगा? झूलना। एंड लास्ट इज खेल, में ना मिलेगा तो जोड़ करके क्या बनेगा? खेलना। नए शब्द बनाए आपने, इसी तरह से आप कुछ शब्दों में भी ना मिला करके नए वर्ड्स बना सकते हो। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें आपके पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें आपको समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना है। पहले आप वर्ड्स को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर आप अपने आंसर्स मेरे साथ टैली करेंगे। अभी बेटा आपने पिक देखी, इसमें आपके पास वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको समान अर्थ वाले शब्दों को मैच करना है, मिलान करना है, ठीक है, जिनका सेम मीनिंग होता है, जैसे आप शब्द अर्थ करते हैं, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट वर्ड है बेटा फूल। फूल को हम और क्या कहते हैं? पुष्प। तो आप नंबर लगा करके मैच करेंगे बेटा, लाइन मत लगाइएगा। नेक्स्ट है पा, पात का मीनिंग बताया था मैंने आपको, पात किसे कहते हैं? पत्ता। तो आप कौन सा नंबर लिखेंगे? नंबर 2। नेक्स्ट खुश, खुश किसे कहते हैं? प्रसन्न, जब आप हैप्पी होते हो, खुश होते हैं, है ना। नेक्स्ट दाल, दाल का क्या अर्थ है सबको मालूम है ना, क्या अर्थ है? टहनी। तो आप नंबर से मैच करें। नेक्स्ट तन, तन किसे कहते हैं? शरीर, आप नंबर 5 लगाएंगे। एंड लास्ट इज ऋतु, ऋतु का क्या अर्थ है? मौसम। तो आप इस तरह से बेटा नंबर लगा करके मैच करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 76। इसमें बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आप इन शब्दों को ध्यान से पढ़ लीजिए और वाक्य बनाइए। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में आपने देखा आपके पास बेटा 2 शब्द दिए गए हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा है, यानी 2 शब्दों को मिलाने वाला चिन्ह, जिनका अर्थ आपको बताया था निशान। तो इन 2 शब्दों को आपस में कौन मिला रहा है? यह वाला योजक चिन्ह। तो आपको बेटा इन शब्दों से वाक्य लिखने हैं, आप कोई भी वाक्य लिख सकते हो, लेकिन उस वाक्य में ये दोनों शब्द आपस में जुड़े होने चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल मैं दे रही हूँ बेटा, फूल फूल पर भौरे मंडरा रहे हैं, इसमें दोनों शब्द आपको साथ साथ ही लिखना है। नेक्स्ट दाल दाल, तो दाल दाल पर पत्ते लगे हैं, आप दाल दाल पर फूल लगे हैं, आप ये भी लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट इज चहक चहक, कोयल चहक चहक कर गा रही है,
तो आप इनसे बेटा शब्दों से कुछ दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। तो बच्चों आप यह भी जान लीजिए कि मुख्य रूप से चार तरह के मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात और वसंत। और वसंत ऋतु में वसंत पंचमी का त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। तो आज के लिए हमारा सुविचार है, कठिनाइयों से लड़कर ही कामयाबी हासिल होती है, कि यदि हमें कामयाबी हासिल करनी है तो हमें मुश्किलों का सामना करना होगा, तभी हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए सुलेख है, हर मौसम का अपना रंग होता है। आप इस वाक्य को अपनी नोटबुक्स में 5 times सुंदर सुंदर लिखेंगे। तो बच्चों आज के लिए आपका गृह कार्य रहेगा, किन्हीं दो चीज़ों के नाम लिखिए जो निम्नलिखित मौसम में प्रयोग होती हैं, जैसे सर्दी, बरसात और गर्मी में प्रयोग होने वाली दो चीज़ों के नाम लिखने हैं। और चित्र देखकर आपको मौसम बताने हैं। तो यह आपकी बुक में बेटा पेज नंबर 76 पर दिया गया है, आप इसे कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।